की व्यापकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इस प्रकोप को रोकने के लिए कर्फ्यू घोषित किया गया है। राज्य सरकार ब्रेक द चेन अभियान के तहत पूरे क्षेत्र में बैरिकेड्स लगा रही है और अनियंत्रित यात्रियों पर टूट रही है। खापरखेड़ा में भी 20 बेईमान व्यक्तियों और 14 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित समय के बाद भी अपनी दुकानें खुली रखी थी। कोरोना की श्रृंखला को तोड़ने के लिए राज्य में कर्फ्यू लगाया गया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले को बिना वजह छोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खापरखेड़ा पुलिस ने रेलवे चौकी, अनमोर चौक, सब्जी मंडी और खापरखेड़ा में अन्य क्षेत्रों में बैरिकेड्स लगाकर सैनिकों को तैनात किया है। शनिवार को पुलिस ने सड़क पर आने और जाने वाले प्रत्येक वाहन को रोक दिया और बाहर निकलने का कारण पूछा। कई नागरिक कार्यकर्ता इसमें पाए गए, जबकि खापरखेड़ा पुलिस ने 34 नागरिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जो बिना किसी कारण के बाहर चले गए, मास्क नहीं पहने, सुरक्षित दूरी नहीं देखी और कर्फ्यू का उल्लंघन करने अन्य प्रतिष्ठानों को जारी रखा। या ठिकाणी येणारे आणि जाणारे वाहनांना विचारपूस करण्यात येते किंवा कोणत्या कारणाने तुम्ही घराच्या बाहेर निघत आहे, आणि त्यानुसार त्यांच्यावरती जो विनाकारण घराच्या बाहेर निघतो आहे विदाऊट मास्क, त्याच्यावरती दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे। आणि तसेच नियमानुसार जे 7 ते 11 दरम्यान जे दुकान जे ठरवा आहे त्याअंतर्गत कोणतं दुकान उघडायचं दिसते त्यावर 188 प्रमाणे ग्रामपंचायतच्या सदस्य आणि त्यांचे ग्राम सदस्य आणि सचिव यांच्या सोबत संयुक्तरित्या 188 प्रमाणे सुद्धा गुन्हे नोंद करण्याची आम्ही तजवीज ठेवलेली आहे। आणि तसंच खापरखेड्यावासियांना पोलीस खापरखेड्यातर्फे सर्वांना आव्हान आहे आमचं की आपणही आम्हाला सहयोग करावा, त्यामुळे आम्ही आपण घरात राहाल तर आम्ही तुमचं प्रोटेक्शन करू आणि त्याप्रमाणे कारवाई आमची सुरू आहे। तरी सर्वांनी आम्हाला पोलिसांना सहयोग करावा ही आमची विनंती आहे।